सूरत के नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में गत रोज आयोजित सामान्य सभा की गई बैठक में विभिन्न मुद्दों और हाल में हुए विवादों पर विरोध व्यक्त करने के लिए विपक्ष सफेद लिबास व काली पट्टी में पहुंचे थे। दूसरी तरफ बैठक के एजेंडे में शामिल आगामी शैक्षणिक सत्र व समिति के स्कूलों को संबंधित मुद्दों को शासकों द्वारा बिना चर्चा किए पास कर दिया गया। इन मुद्दों में कई मुद्दे ऐसे भी थे जिनको लेकर विपक्ष को आपत्ति थी और विपक्ष ने विरोध करना चाहा। विरोध के बावजूद विपक्ष को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे विपक्ष के सदस्य इतने नाराज हो गए कि ना सर माइक उठाकर फेंका बल्कि टेबल व कुर्सी भी गिरा दी और बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। उल्लेखनीय है कि बैठक में हंगामे और विरोध होने की आशंकाओं को भांप कर समिति चेयरमैन हसमुख पटेल ने सिक्योरिटी व्यवस्था कर रखी थी, जिसके चलते विपक्ष के 10 सदस्यों में नाराजगी देखने को मिली। कैमरामैन अशफाक कुरैशी के साथ परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत।